डीलर न कर रहा है बर्फ जन्म, तो इस प्रमुख कहां से आ गए? गुंजाइश मुद्रा होता है, दस मुद्राएं, महामुद्रा महाविंदस, इस मुद्रा करने वाला जरा मरण से मुक्त हो जाता है ना। इदम ही मुद्रा दस्तम जरा मरणास्तम, ये मुद्रा करनी थी वो कर लिया, खिचड़ी मुद्रा करनी थी, सोहम साधना करनी थी ताकि शिव जगे, शिव जगता है सोहम साधना से। हे कार्तिकेय त्यजेत अज्ञान निर्मालम सोहम भाव न पूजते, अपने शरीर में रहते हुए शिव को जीव को सोहम भाव से पूजते। तो शिवत्व आता है, ये वाला प्लस वाला है जो केंद्र ऊपर, ये पृथ्वी वाला भी है, यह जगता है सोहम साधना से और खिचड़ी मुद्रा से जगता है ऊपर वाला, और नीचे वाला शक्ति चालिनी मुद्रा महामुद्रा बंद प्रया मुद्रा से जगता है नीचे बजरोड़ी शक्ति चालनो। अच्छा, आनंद आएगा तब पति पत्नी में विवाह होगा, इनके साहस्यग्रहों में तब लाइफ का आनंद आएगा। शिवरात्रि यानी कुंडलिनी जागरण की रात्रि, इसमें ग्रहों नक्षत्रों का ऐसा मैग्नेटिक फ्लो आता है कि कुंडली ज्ञान की साधना करेंगे आपको तेजी से संक्रमण हो जाएगा। और शिव विवाह का समय है, वो शिव जी पार्वती जी का शादी करा देंगे, ये शादी करेंगे तो क्या होगा, इनके भीतर में प्राण मंथन चालू हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इनकी ऊर्जा इनमें घूलेगी, ये ऊर्जा इनमें घूलेगी, तो ये ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी, शिवत्व के लिए घूमती चली जाएंगी, तीन चार छह, एक दो तीन चार पांच छह, ये लड़का पैदा हो जाएगा छह मोहल्ला कार्तिक, शिव पार्वती का विवाह करेंगे, कुंडली जागरण करेंगे, तो पहला बच्चा होगा कार्तिक, पराक्रम मिल जाएगा, पूरे पंच तत्वों की सृष्टि पर कमांड आता है, बॉडी पर दिया है और मन पर कमांड आए, पांच तत्व और एक मन बुद्धि अहंकार को महत्व तत्व कहते हैं, यही छह मोहल्ला कार्तिक है जो जन्म ले लेते हैं, और अंत में सहस्रार विवेक जन्म लेता है, एकदम प्रज्ञा, वो बाद में जन्म लेगा लेकिन जाएगा पहले, क्योंकि हर जगह सारी सृष्टि विवेक से चल रही। यदि शिव जी का लड़का गणेश होते तो शिव की शादी में भी गणेश पूजा रहा था, वो कौन गणेश था, वहां बड़ा नाम तो अगर बोला जा रहा था, इसलिए अलग पुराणों में अटपटे अलंकार लिखे जाते हैं कि अंधा भी प्रश्न करे, हम लोग प्रश्न नहीं किए तो मंत्र बुद्धि के बल है, कोई ना कोई साइंटिस्ट आकर के बता देगा। इसलिए प्रभु परिषद में गुरु जी ने एक सूत्र दिया है, ये मूर्तियां क्या है मंदिरों में, ओम सर्वापी प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, सारी मूर्तियां किताब है पाठ्य पुस्तक, माध्यमेन च यस्य जीवनं स्यात् दर्शनम, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के रहस्यों को समझते हैं, ऐसे कोई ये बात थी। अब लग रहा है ना कितना बढ़िया ये जागरण की बात थी, तो जो कुंडलिनी जागरण है कहेंगे आनंदमय कोष का शक्ति पक्ष का जागरण, और सहस्रार आनंदमय कोष का भाव पक्ष का जागरण, ईश्वर भाव संवेदना भी है और शक्ति सामर्थ्य है, दोनों को मिला देंगे तो लाइफ में निभाया जाएगा, धन देनी है तभी तो धन से आनंद आता है, शक्ति में भी है, शरीर स्वस्थ रहते गलत मजा मस्ती आता है, और शरीर में दर्द तो कराते बीतता है, कितना धन है कराते बीते, कितना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा हो, आनंद है कराते बीते, अस्पताल में डॉक्टर के पास जाने में होते हैं, डॉक्टर मिलने वाले तो सामने रखते हैं बैठक वाला, यहाँ पर मरीज पहले बैठेगा तो वेटिंग लेकर हो जाएगा, आप देर से पहुंचे हैं तो थोड़ा सा सीट मिला, बाकी सब मरीज लूट लिया करिए, वहाँ लिखा रहता है कि शांत रहे, शांत रहता है मरीज, जहाँ तक सिला जाएगा, अब बगल वाला लगा एक्सर है लेकिन हमको रोगी बताते हैं, रोगी है तो वहाँ मुस्कुराते रहना है, वहाँ नहीं कराना है, बगल वाला भी पेशेंट बता देते हैं, तो हम लोग तो खुशी में खुश होना जानते हैं लेकिन रोग में कहाँ हंस पाते, पेट दर्द कर रहा है चिल्ला रहा है, तो दूसरा कोई आएगा मित्रों तो रोग में कोई शेयर नहीं करता, दुख में आप लोग कोई फ्रेंड है कितना बढ़िया शेयर नहीं कर सकते, केवल इतना कर सकते हैं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, इस शेयर कोई हुआ जी मिला दिए ठीक हो जाएगा, और उसको दर्द हो रहा है तो करा बैठे तो पेट ठीक है,
हमको उन्होंने तो करा साथे साथे, कोई नहीं कराने वाला है, अकेले कराना है, अकेले करना है, हम क्यों रोगी बने जब अकेले भोगना है। तो बड़ी सुविधा थी। तो जहां कुंडली जागरण यानी शरीर पर कमांड हो गया तो तंत्र है, तो हम लोग तंत्र 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 साधना कर रहे हैं। तो इतना सब अध्यात्म को लफुआ बना दिया है पीछे के अनगढ़ों ने। अब तंत्र साधना मैंने सोचा जाता हड्डी लिया होगा, नहीं खोपड़ी ये तो कुछ कुछ कर रहा होगा। अरे तंत्र माने वो थोड़े तंत्र होता है, तंत्र माने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब कहा गया नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिस्टम को तंत्र कहते हैं। संसार एक सिस्टम में चल रहा है, इस सिस्टम पर कमांड करना तंत्र साधना। कहां फंस गए तुम्हारा हड्डा हड्डी में, यही है गजब। तो सारी हड्डियों का एक तांत्रिक हमारे मित्र थे, गए तो वहां पर अपनी साधना के कक्ष में ले गए। कहे कि देखिए खोपड़ी पर करते हैं, तो हमको हाथ में खोपड़ी दे दी कि गायत्री वाला है, डरा जाएगा, डरा जाएगा। महाकाल कड़ी का खोपड़ी हमको दे दिया, तो हम क्या बोले, उसका आंख उठाता ना गड्ढा गड्ढा आंख में कि लाई इसी में दही दी या इसी में दही दिए, वो है डरा के भागे। गजब मजा आ गया साहब, हम सोचते कि तो डरा जाए, वही भाग गया। तो ये इस क्या बात करते हैं। तो इसमें आपका ये जागरण की विधा है द्वैत, अद्वैत साधना को कहते हैं आनंद ने उसकी साधना, शिव और शक्ति के मिलन का आना, ऊर्जा को ज्ञान में मिला दें, राग को वैराग्य में मिला दें, सुगता को महानता में बोल दें, फिर क्या बचा रहे एकत्व। अद्वैत गुरु नहीं बोलते हैं बार बार ध्यान में, तब अद्वैत हो गए, एकत्व हो गए, तो दूसरा रहा कहां जिसे घृणा करेंगे, घृणा क्रोध कभी ना आएगा जी, जब दो दो की संभावना हो। तो एकत्व की साधना आनंद ने कोष की साधना है, और इसी में रस आता है, ईश्वर रसो ऐसा रस है, और वह रस आकाश की तरह हर जगह भूला हुआ है, ईश्वर सिवा यहाँ रस के सिवा कुछ भी नहीं सृष्टि। तो वो बात थी, आप इसमें देखिए, तो कबीर दास देखिए कितने उसने कहे कि जब समाधि होता है सम अधि समाधि, सारे विचारधारे सारी तरंगे जो मस्तिष्क के निकल रही है या पदार्थों से, आदि में भी आदि है, व्याधि में भी आदि है, व्याधि शारीरिक, आदि मानसिक, वेद सॉलिड बॉडी, ये सारे तरंग से बने। तो यह जब समान हो जाए तो समाधि कहें, पकड़ में आ गई बात, शब्दों को भी हम चीज फाड़ कर देखें तो सत्य है जगह। तो समाधियां बताए गुरु जी की 27 प्रकार की है, लेकिन आज के समय में जिस वर्तमान समय में हम लोग गुजर रहे हैं, सहज समाधि सबसे भली है। कोई संसार नहीं छोड़ सकता और कोई बिना संसार के रह भी नहीं सकता, ऊपर वाला नहीं, हम महात्मा जी बन गए ठीक है, महात्मा तो हमारे पास क्या है, नहीं खाना खिलाओ, हम कहे खिलाए आप जाइए महात्मा जी, हम कहें घूम क्या रहे नहीं खाने आपके पास, गृहस्थ न रहे तो सारे सारे सन्यासी मरेंगे कि नहीं, कौन खाना देगा आपने, आपके आपके लिए हम क्यों कमाएं और हम ही को आप माया करते हैं, तो माया के पास क्यों आए, लग रहा है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो बात इसमें, तो आज के युग में सबसे सरल है सहज समाज, और उसने कबीर दास को ने इसको सिद्ध किया था, कबीरदास का उसने दिया इस सहज समाधि का ऐसा होता है, सब में मस्त रहना, साधो सहज समाधि फल, साधो माने फिर साधकों सबसे बढ़िया सहज समाधि है उसको, या साधो साधना करो किसकी, सहज समाधि क्यों, क्योंकि हम फली में। तो इसमें गुरु प्रताप भयोजा दिन पे सुरतीन अनंत चली साधन सह समाधि, जिस दिन से दीक्षा लिए उसी दिन से लग गए इसकी साधना करने, एकत्व अद्वैत की आज ध्यान करवा रहे गुरु जी, शुरू से करवा रहे कि नहीं। तो गुरु प्रताप भयोजा दिन पे सुरतीन अनंत चली साधन सह समाधि, एकत्व अद्वैत की साधना हमें करनी चाहिए, वो नहीं की हमने, एक दूरी बना ली है संसार में अपने। तो
आंख नमुदु, देखिए क्या बोलते हैं कबीरदास, आंख नमुदु कान नरुदु काया कष्ट न धारी, खुले नयन से हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारू सादर सह समारी। एक बार जिस घर में रहते थे उस घर में श्राद्ध किसी का हो रहा, पूजा पाठ कुछ ऐसी कुछ चल रहा था, कथा वार्ता पूजा पाठ किया, तो उनसे कहा गया कि उस ले आओ, हंसुआ लिए और चल पड़े कुश काटने, गांव के बाहर था कुश। तो एक घंटा देर हो गया, कहां गया अभी तक सुन नहीं आया, सब बैठे थे कुश लेना, देखो तुम कहां गया कबीरा, तो पीछे से गया ढूंढने कबीरा कहां गया, तो कबीरा कुश काट रहा था, वो कुछ और कर रहा था, भुला गया था कुश काटना है, हवा चल रही थी और कुश का पौधा ऐसे ऐसे झूम रहा था, तो कबीर दास जी ऐसे ऐसे कर रहे थे, एक घंटा से ऐसे कर रहा था, भूल गया था क्या है। प्रकृति के तालबद्धता में अपनी तालबद्धता जोड़ करके कबीरदास मगन हुए जा रहे, तो उसमें आंख न मुदु कान न मुदु काया कष्ट न धारु खुले नयन से हंस हंस देखो सुंदर रूप में। आज गुरु जी भी लिखे हैं एक सुनसान के सच्चन में कि जब देखते हैं बालियां, कि कुछ बालियां झूम रही थी खेतों के, तो वो कबीरदास वही कबीरा इतने खुश हो गए, कहा इतना अच्छा लग रहा है, मदरसा में बच्चे मदरसा विद्यालय के बच्चे झूम झूम करके पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, ऐसा देख रहे, अपने भीतर से भाव संप्रेषण ऐसा होता है कि यही भावना रिफ्लेक्ट होकर के आती है। यदि वो खराब लग रहा है, घृणास्पद है, हमारी घृणा है, वहां से जाकर टकरा कर हमारे ऊपर आ गई, तो ये अपने भीतर रीडिंग ही है। यहाँ पर हर कोई को कहूं सोई नाम सुनू सोई सिमरन, जो भी कहूं तो ईश्वरीय संदेश के रूप में कहूं, सुनू सोई सुमिरन, गाली दो तो अपमान करता हो तो मान का बोलता हो तो सुनू सोई सुमिरन, उसमें भी ईश्वरीय चेतना को ढूंढना। हम लोग तो केवल गाना गा के रह जाते हैं ना, मिले माने अपमान पथ में तुम्हारे लगे सब परम प्रिय, तो अपमान भी गाता तो काहे कट कटा गया, परम प्रिय कहाँ लगा, नहीं हम खाली गाना गा सकते हैं बस, कितने भर कभी तो खरा उतरे। तो वही कहे कि सुनो सोई सुमिरन खाओ सोई पूजा गृह उद्यान एक सम देखो खाओ विदाम दूजा साधो सह समाधि में कमाल की बात। सबद निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, यदि हमारा यह है चक्रों का क्रम, यदि प्राण का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, इसको कहते हैं मलिन वासना, सेक्स एनर्जी वासना एंड सेक्स, तो सेक्स एनर्जी डाउनवर्ड दिशा में जा रही हो, मंजन और भोग में खत्म हो रही हो, कहा कि इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने त्यागा, क्या किया ट्रांसमोटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी किया, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न दिसरे ऐसे ताड़ी लागी, ये जो है ताड़ी ईश्वरीय चेतना का, यहाँ का इस दिशा में उठते बैठते चलते अपनी सारी ऊर्जा को निरंतर दिवाइन एनर्जी की तरफ मोड़े में लगाते हैं। जो भी महामानव बने हैं सबने अपने सेक्स एनर्जी का ट्रांसमीटर सुन किया है, चाहे तुलसीदास रहे हो तो कामुक तुलाराम वो स्वामी बन गया, जिसको इंद्रियों का जो गुलाम था वो हमारी इंद्रिया उसका स्वामी बन गया, अधिष्ठाता बन गया, रत्नाकर ढाकू की वासनाएं तोड़ फोड़ने लग रही थी उग्रवाद में, उत्क्रमण कर दिया तो ब्रह्मसिंह वाल्मीकि बने, देख रहे बिनु मंगल की वासना भी भोग में जा रही थी, संत सूरदास बन गए, सबने किया है मलिन वासना त्यागी ट्रांसमोटेशन ऑफ सेक्रेट, ओजस तेजस वर्चस बढ़ते जाएगा, इसको फ्लो को, इसी फ्लो को बता रहे थे नचिकेता को यमाचार्य कठोपनिषद में, हे नचिकेता तदैव शुक्रम, यदि प्राण का फल इधर जाता है तो वह काम शक्ति कहलाता है, काम शक्ति तदैव ब्रह्म यदि अपवर्ड कर दोगे तो यही आत्मशक्ति कहलाएगा, आत्मशक्ति बस काम शक्ति को आत्मशक्ति में बदलना, तदैव अमृतम उष्ण इससे आत्म तत्व को ब्रह्म तत्व को पालेगा साधन, कितना सरल सरल सूत्र बताया सब, उसी कहा गया उत्तिष्ठा, उत्तिष्ठा माने प्राण को उठाओ,
अपने को उठाकर का दिया था, प्राण ही जब नहीं उठा तो उठिष्ठता उठाओ जगाओ और प्राप्त प्राणी को धरता इस श्रेष्ठता को प्राप्त करो, परमात्म तत्व को प्राप्त करो। तो हर एक जगह साधना क्रम में नहीं, हमें अपने काम बीज का ज्ञान बीज में उन्नयन बताइए, इसी प्रक्रिया को उसने आती है तो वो काम बाधे इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको क्रमण होता है तरीका और मिलन का। तो तीन साधनाएं इसमें बताए हैं तो दोहरा ले रहे हम लोग भी, शिव जी जो लाइन दोहरवाए थे पार्वती जी से, कैलाश पर्वत पर कैलाश चल रहा है तो उसको हम लोग भी यहाँ दोहरा रहे, और वो लाइन दिया गया है महाविज्ञान गायत्री महाविज्ञान। शिव जी बता रहे हैं कि हे पार्वती आनंद आवरण उन्नत्या, बोलिए आनंद अत्यंत शांति प्रदायिका, यानी आनंद के आवरण के उन्नति से अत्यंत शांति मिलती है, अत्यंत शांति देने वाली एक स्थिति आती है, इसको क्या कहते हैं तुरीयावस्थिति लोके साधकं त्वति गच्छते। ये तुरीयावस्था प्राप्त होती है साधक को आनंद आवरण की उन्नति से, यानी हम लोग का आनंद आवृत हो गया है, किडनैप हो गया है, आनंद भी किडनैप होता है, बैठ जाओ, किडनैप नहीं था तो रोने क्यों लगे, तुरंत हंस रहे थे, कौन चुरा लिया आपके आनंद को, कोई तो किडनैप किया है जरूर, कोई ना कोई विचारधारा, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर किडनैप कर लिया आपके आनंद को, क्या होने लगे। जब ईश्वर आनंद में है, शांति में हर जगह है तो तुरीयावस्था साधक को प्राप्त होती है, इसलिए कहा कि हे पार्वती तुरीयावस्थ लोके अत्यंत शांति प्रदायिका, अत्यंत शांति देने वाली साधक को मिलती। उपाय पूछा था कि क्या करें तो वही उपाय बताया कि इस आनंद को किडनैप किसने किया, उस किडनैपर को हटा दिया, वह किडनैपर है नाद बिंदु का आनाम करो पूर्ण साधन आखलो नन्नु आनंदमय कोश साधके ही प्रबुद्ध रे। उपाय कि हे पार्वती नाद बिंदु और कला की साधना से साधक में आनंद ने कोश प्रबुद्ध हो जाता है। अब देखिए आनंद को कैसे किडनैप किया है नाद ने, यानी ध्वनियों ने, हम लोग आवाज साउंड में किडनैप करे, आवाज में कोई बोला तो दुख लगा आवाज ही ना बोला, कोई बोला तो अच्छा लगा आवाज ही तो बोला, तो आवाज में भी किडनैप था ना, कि इस तरह के बोलेगा तो हंसेंगे, इस तरह का बोलेगा तो रोएंगे, तो खास तरह के आवाजों को मैं अपने आनंद को बंद किए थे, उस खास तरह की आवाजों के बाउंड्री को तोड़ दे तो कैसा हूं आवाज बोलेगा आनंद आएगा। शास्त्रीय संगीत वाले कुछ लोग क्या होते हैं कि शास्त्रीय संगीत में उनको अच्छा लगता है, राग में नहीं कितना मिटता ही लग जाता है, और जो बच्चे हस्त म्यूजिक में मगन होते हैं उनको शास्त्रीय सुना दीजिएगा तो बेचारे अटपटा फील करेंगे, कहां से बोल बोरियत वाला मजा मिलेगा, देखिए कितना बढ़िया कूद रहे हैं, और इसको यदि रागात्मक ध्वनि में जो झूम रहा है उसको फर्स्ट म्यूजिक सुना दिए कान के पास तो वो खिसला जाता है, हालांकि दोनों ध्वनि का आनंद ले रहा है। तो यदि ये बना अपने ध्वनि में तो आनंद ले ही ले, लेकिन बॉडी थोड़ा विस्तार कर दे कि सारी ध्वनियों में आनंद ले तो आनंद बढ़ गया कि नहीं, ये यदि उसका भी अभ्यास करे और वो वाला इसका भी अभ्यास करे इसको भी आनंद ले तो दोनों आनंद का बढ़ गया बॉडी का। हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे तो एक जगह उस समय तो सुगम संगीत चलता था 70 के दशक वाले में, तो बड़े मीठे मीठे संगीत थे, एक जगह रेडियो स्टेशन के कलाकार आए थे किसी मंत्री के यहाँ शादी का था, तो हम कहे कि चले सुनते हैं रेडियो स्टेशन मैंने बहुत बढ़िया बनाया होगा खूब बढ़िया, हम लोग लाइक फिल्मी गाना गाए हम लोग इसमें उठे लगे थे,
और उस रेडियो स्टेशन वैसा बुलाया गया था कि सामियाना की खाली रखवाली करे, यही एक खाली वीणा वीणा लेके बैठा था और तबला लेके, और दोनों आपसे भी केवल देख रहा था, पब्लिक भी नहीं देख रहा, इसका हुंकार वो भर जाता उसका हुंकार ये भर जाता, तो मैं कहां फंस गए महाराज जी का दो ही बन गया। और बराती लोग तक केवल सामियाना रखवाने के लिए टोकरा फिर था, वो लोग तो उधर खाती तो मगन हो जाते, तो हम बाबा ही गए तो देखी लोग क्या गा रहा है रेडियो स्टेशन से आए, तो पी कहा 5 मिनट तक, और पता नहीं पी के बाद अगले बात के बोलेगा कि नहीं, बेकार फंस गए महाराज पी कह रहे हैं, जैसे सूर्य कैसा चला जाए नहीं फहरू अभी अभी बंद नहीं किया कुछ और बोलेगा, देखो किया बोल दिया किया बोल रहा है किया फहरू पूरा लाइन सुनना है इसको क्या कहेगा तो पिया के बाद 5-7 मिनट और हो गया तो हर कह दिया, पिया से घर का तालुक है 25वें मिनट पर आए को हमर के बंद कर दे भगवान, पिया घर आए तो हमारा था तो पहले ही बता देता कि लास्ट में हम पिया घर आए करने वाले थे, हमारा तो 25 मिनट बच जाता, ये था मेरा लेकिन दूर खूब मगन जैसे जहां का स्वर्ग की रहा है, तो उनके पास यदि बंद करके या कोई अचानक फर्स्ट म्यूजिक सुना दे तो उनका खराब हो जाता है, या फर्स्ट म्यूजिक जो बच्चे कान वाला पहन करके कूद रहा है नाच रहा है उसका जाके ऑफ कर दिए वो मूड ऑफ जाता है, कहां से कि तो आनंद लो, तो जब तक झूम रहा था तो इसके भी कनेक्ट होता, आवाज बंद करे तो भी झूमते रहा कूदते रहा इस पर बहुत आश्रित रहा, तब ने कहा गया कि हमारा मस्ती आवाज कनेक्ट नहीं किया, तो शुरुआत करते हैं ओम ध्वनि से, सारा सृष्टि आवाज पर चल रहा है और इसके मूल में ओम ध्वनि काम कर रही है, वही ओम ध्वनि विभिन्न ध्वनियों में बदल गई और स्कैटर्ड साउंड को हम लोग समझ नहीं पाते कहीं ओम ध्वनि है, इसके चलकर तो हम टेंशन हो जाते हैं, अब इसको देखिए कैसे हम ओम ध्वनि यहाँ पर बदलती है, नाद साधना में हमें क्या करनी होती है, शुरुआत तो करेंगे मेलोडियस म्यूजिक से लेकिन अंत करेंगे सारे म्यूजिकों में हमको सुनाई पड़ना चाहिए, केवल वही सुनते रह गए तो फिर हम किडनैप हो गए, आप देखिए जी शर्मा जी के यहाँ पर ओम ध्वनि निकला ये हो गया ओम, यहाँ है हर यहाँ है छंद, ये आज्ञा चक्र नीचे उतरते गए यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर यही ओम ध्वनि आकाश तत्व है विशुद्धि आकाश विशुद्धि आकाश तत्व होता है विशुद्धि चक्र ये बहुत तत्व है बिल्कुल ही चेतनात्मक सूक्ष्म कंपन्स है, जैसे ही आप पंच तत्वों के आकाश तत्व में गुजरता है ओम ध्वनि तो स्कैटरिंग ऑफ साउंड होता है, जैसे लाइट भी कई बार मीडिया चेंज करता है तो लाइट भी स्कैटर्ड होता है, एक सूर्य की पतली किरण प्रिज्म से गुजरे तो सिर्फ लाइट्स में स्पेक्ट्रम में स्कैटर्ड हो गया, ऐसे साउंड के साथ होता है, यह भी यदि इसमें आकाश तत्व में इंटर करेगा तो स्कैटर्ड होकर के अब से लेकर के अह तक हो जाता है 16 मात्राओं में बदल जाएगा, और यहाँ पर आकाश तत्व में आप रहेंगे तो यह ओम नहीं सुनाई पड़ेगा, अं अं इं इं ओं ओं ऐसा सुनाई पड़ेगा, बोल रहा है ओम लेकिन हमको आकाश तत्व के से गुजरने के चलते इन ध्वनियों में सुनाई पड़ेगा, एक्चुअली वो ओम है, स्कैटरिंग ऑफ साउंड इसका प्रयोग किया जैसे नीचे आता है यहाँ पर और अनाहत चक्र की बारी आती है 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर कर्क से लेकर के ठंग तक ये 12 ध्वनियों बदल जाएगा, और ये ओ यहाँ आया स्कैटर्ड हुआ यहाँ गुजरा तो और भिन्न भिन्न ध्वनियों में स्कैटर्ड हो जाता है, ओम ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगा कम खम गंग घम अंग ऐसे सुनाई पड़ेगा, कख कख तो भी सुनाई पड़ेगा, कम तप तप टप टप गिर रहा है, क्वांटम इसलिए कहा जाता है इसको कि वो लगातार वेव्स नहीं है, रुक रुक करके वेव्स इसमें से निकल सके थोड़ा सा, इसलिए इसको
उपयुक्त रूप में आता है, अंग लगा देते हैं, प्रैक्टिस करके कम खम गम नम अंग ऐसे निकलेगा चम चम जम झम यम तम तम, तो बारह और ध्वनि बदल जाता है और थोड़ा सा नीचे आएगा अग्नि तो से मिल जाएगा। ये दस और ध्वनियां बदल जाता है डम से लेकर के हम दस दन 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 हम हम दन दन पम हम, ये ध्वनियां हैं, इसको सुनने में बहुत मीठी मधुर लगने लगती है सब। उस चार तत्वों की साधना में आप गुजरेंगे ध्यानात्मा मस्ती मस्ती खेलने लगते है। यहाँ पर जब आता है जल तत्व में तो यहाँ पर छह और ध्वनि जाता है, ये हो जाता है बम भम बम यम रम लम छः, और नीचे आने पर एक दो तीन चार, ये चार ध्वनि बदल जाता है ओम सन 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 चार। अब देखिए टोटल कीजिए इसका 16 12 28 10 38 44 48 और एक अंग यहाँ पर है 49 और एक संयुक्त अक्षरों का कॉम्बिनेशन का यह प्रतिनिधित्व करता है क्षण। तो जितने भी कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन वाले संयुक्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है क्षण, तो यही अल्फाबेट से मिल करके पूरे सृष्टि को चला रहा, सारे वाक्य सारी ध्वनियां इन्हीं से गूंजेंगी, चाहकर कभी कोई नई ध्वनि म्यूजिक नहीं निकाल सकते दिमाग में कुछ भी, कभी तो को कह दिया आप कहा वो कह दिया, सारे जीव जंतु इसलिए कहा गया है कि देवी वाचन अजनयंत देवा, यह दिव्य वाणी सरस्वती का मंत्र है देवी वाचन अजनयंत देवा, या यह दिव्य वाणी को अजनयंत उत्पन्न करते हैं देवा, सारी सृष्टि के ध्वनि तरंगों को और पदार्थों के उत्पन्न करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि अवकाश वाले सारे देवता सब निकल उपमेसी से ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ इससे निकला, ताम स्वरूपा पशु बनते उसी को सारे जीव जंतु क्रिएचर्स उसका उच्चारण करते हैं, तो वो तमात्मक रहेगा या उनमें से तमात्मक उच्चारण करेगा, लेकिन ध्वनि यही बोलेगा इससे फालतू आवाज नहीं निकाल सकता है। चांग चुंग चांग उधर सब चांग चुंग बोल रहे थे, जिधर हम गए थे तो सब उनका कुछ भी कहा जा रहा था चंचू पर आज कार्यक्रम ऐसी करना पड़ता तो चौ बोल दिया कहीं बोल दिया, इससे फालतू म्यूजिक निकाल ही नहीं सकते, तो सारी सृष्टि में ये ध्वनियां कंपन कर रहे हैं। तो अब यदि कोई आदमी बोल दिया कोई वाक्य तो उस वाक्य के ध्वनियों में हम जाएंगे, उसको कौन पीछा कर रहा है, उसको कौन खेल रहा है, उसको कौन खेल रहा है, कि आप जाएंगे कि नहीं, तो सारी ध्वनियों में हम ले सकते हैं कि नहीं, ये है बजट की बात। तो नाच साधना से सभी ध्वनियों में हम ईश्वरीय अर्थ ले सकते, तो कोई भी गाना फुहर नहीं होता है, और ना ईश्वर जब हर जगह है तो फुहर कहां से बा, हमने फुहर अर्थों में ले लिया या उन्होंने फुहर मूड में कहा, लेकिन हम यदि कबीरदास के बेटे हैं आत्म साधक हैं तो हमें तो उसके से पवित्र आवाज निकालना चाहिए था पवित्र अर्थ। एक बार माता जी ने एग्जाम्पल दिया इसी का, एक बार गुरु जी पहले एक खास गीत बड़ा प्यारा था गुरु जी का, गुनगुना रहे थे उनके सामने ही कहीं, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, तो इनको ऐसे ही लगा कि आप फिल्मी का नदी करते हैं क्या, आपको फिल्मी लग रहा है कितना बढ़िया भजन गा रहे हैं, कैसे कैसे भजन है, तो इस वक्त दूसरों को पैरों में घुंघरू बांधता है यानी दूसरों को सिद्धियां देते चलता है घुंघरू, और सब दुर्पयोग कर रहा है सिद्धियों का, हमारे पैरों में घुंघरू बांध के विदेश हमको सिद्धियां रिद्धियां देकर देख ऐसा नाचते हैं कि कभी क्या याद करें, देखिए सारी सिद्धियां पूर्वे पूरी ऐसा कमाल का किए कि मजा आ गया। तो ये हर एक ध्वनियों के अर्थों में भी आप साथी रख ले, हमारे तरफ एक होते हैं उधर कहलाते हैं बिहार में एक है भिखारी ठाकुर का नाम सुने हैं, भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाते हैं, रोज एक संगीत बनाएंगे तब पानी पीते और उनका विदेशी आना तो सब वह भोजपुरी के शेक्सपियर, तो उनका सारे के सारे संगीत नियमक अलंकार होते थे द्वि अर्थों में द्वियार्थक, और उसका अर्थ नहीं बताए उन्होंने उनके संगीत था डोलिए ने आई नहीं माने डोली नहीं आया डोलिए ने गई नहीं यानी डोली नहीं पालकी नहीं आया पालकी समझ रहे हैं
पालकी नहीं आए, पालकी नहीं गए, डोलिए नगा मिल के और पालकी नहीं गर्भवती नहीं हो गई, उतना ही नहीं पालकी से, पालकी ने आया, पालकी नहीं गया और पालकी नहीं गर्भ रह गया। सास ननद मह ताना मारे ना भाई पिया से भेंट, ये लोग पागल कह रहे, यानी जो ऋषि मुनि हैं या जो संसारी लोग हैं ये सब ताना मार रहा है, ये कैसे हो गया। ना भी पिया से भेंट यानी कि आत्मा से भेंट नहीं किया इसलिए ये गर्भ धारण कर लिया। हम आते हैं किसी न किसी योनि में, मनुष्य योनि में आए और फिर अगले योनियों के लिए गर्भ धारण करके चले गए, यहाँ से जाएंगे फिर तो ऊपर वाले योनियों में न जाकर के आप मोक्ष वाला, फिर अलग योनियों के लिए उसका बना दिए, तो कहे ना डोली में आए, डोली में गए, डोली में आ गया फिर। और यदि हमने अपने पिया से भेंट किया होता यहाँ पर तो लोग पालन नहीं चाहता, मजा आ गया। तो इसमें एक गजब की बात थी और ये बहुत ही आध्यात्मिक संगीतों को बजाते थे। तो किसी संगीतों में ध्वनियों में हम लोग आध्यात्मिक अखले सकते, कोई ध्वनियां जब ईश्वर पवित्र हर जगह तो चाहकर के हम गंदा नहीं कर सकते और हम पवित्र नहीं कर सकते। डाउनवर्ड अर्थ लेंगे तो प्राण नीचे जाएंगे, अपवर्ड अर्थ लेंगे तो ही संगीत मोक्ष दिला देंगे। एक बार बस में सफर करके आ रहे थे तो एक संस्कृताचार्य हमारे साथ में मास्टर, तो ड्राइवर तो अपने ढंग का नकर्षक लगाएगा कि हम लोग का थोड़े भजन लगाएगा, वो भजन लगा दिया था उसमें एक गाना चलता था ये पानी की आग लगाने की रात है, जलने की रात है, जलाने की रात, तो मास्टर फिसला गए, कैसा कैसेट लगा दिया, ये गा दीजिए सब चलिसा लगाओ, चलिसा पटाख से दे दिए। तो हमने पक्ष ले लिया ड्राइवर का, कितना बढ़िया भजन हो रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो और सारे पैसेंजर हम लोग तरफ देखने लगे, गजब के दूर चढ़ गया है, एक ड्राइवर का पक्ष ले रहा है, देखिए कितना भजन गा रहा है, पानी में आग लगाने की रात है, यानी हवन करते हैं नदी अग्नि चारों तरफ, आग की चारों तरफ, पानी जल प्रसिचन, पानी कहते हैं शांति को और आग कहते हैं क्रांति को, यानी आज के समय में वैचारिक क्रांति की जरूरत है कि नहीं, प्रक्रिया अभियान की जरूरत है, पानी में आग लगाने की जरूरत है और जलने की रात में अभी अपने आप को भी आपने ज्ञानी बनाई है, जलाने की रात में कहाँ आपने पढ़े पढ़े आप कैसी सुनाई पड़ता है खाली करना। तो क्या बात है कि हर एक ध्वनियों में ईश्वर भूला हुआ है, हमारा काम है कि अपने नाद योगी साधना से उसके पॉजिटिव अर्थों को लेकर आगे भागे। तो इसका मिश्रित कर तो क्या मतलब फुहार गाना बने नहीं, इसलिए कि सारे के मस्तिष्क निचोड़ नहीं है, जो बच्चों के कोमल माइंड है फुहड़ गानों से फिसल जाए। एक तो ये काम किया जाए कि अच्छे गाने बनाए जाए और दूसरा काम ये किया जाए कि गलती से सुनाई पड़ गया तो इसको पॉजिटिव अर्थ ले लिए जाए, इसलिए कल की दुधारी तलवार चलाएगा, उन गलतियों को भी नहीं दोहराएगा, फुहड़ गानों को भी नहीं बनाएगा और यदि मिल गया कहीं समाज सुनाई पड़ गया तो इसको पॉजिटिव अर्थ लगा करके अपने आप को बैलेंस कर लेगा, है कि नहीं बात। तो हमेशा हमें अध्यात्म का है दुधारी तलवार की तरह चलना हो, खुद वह क्रिएशन न करे जो कि सबके लिए सुपाच्य न हो और यदि मिल गया ग्रहण घर से तो उसके पॉजिटिव अर्थ लेकर हम आगे बढ़ जाए, आनंद को खंडित न होने दें अपना, ठीक है ये बात। तो इसके जागरण क्रम में ही इसका सब बीज अलग होता है, इसके बीज होता है लम, यह है वम, इसका है रम, अग्नि तत्व का यह अग्नि तत्व है, यह वायु है, इसका होता है यम, इसका होता है हम, इसका होता है ओम और ऊपर विष्णु विसर्ग है शून, यहाँ से ऊपर उठते ही प्रकृति छूट जाती है, प्रकृति का विस्तार यहीं तक है, इसलिए यहाँ तक आपका सबको प्रकाशात्मक दिखेगा। हमने अपने आत्मा का साक्षात्कार सूर्यात्मक भी किया है और शून्यात्मक भी किया, सूर्यात्मक दूसरे स्टेट में हुआ था जब ट्रैक पर चढ़ गया था, अपने बॉडी से हम बाहर निकल गए थे एक शून्य के रूप में चढ़ गए और बॉडी अभाव मंडल भी नहीं था, बिल्कुल सारा आसपास हमारा बॉडी दिख रहा था और एक बॉडी नीचे पड़ा हुआ दिख रहा था जो पानी में था, जो कि 3 फीट का दुगती हो गया था चोरू चोरू, फिर उसमें कब प्रवेश किए ये नहीं पता चला, लेकिन जब उसमें प्रवेश कर गए उसके बावजूद भी वो बॉडी गायब था और केवल आकाशात्मक अपना बॉडी दिख रहा था और अपने सूर्य के रूप में चमक रहे थे। तो उस स्पॉट एक्सीडेंट के समय में तो देखा था बॉडी चिथड़ा चिथड़ा हो गया है, बेहोश नहीं हुए थे, होश फेल थे और एक ही बार करीब 1.5 घंटे के बाद अस्पताल में वहां पर उस बॉडी में से
इस बड़ी के नेत्रों से तब इस बड़ी को जाकर देखा कि कितना एक्सीडेंट भयंकर हुआ। अब वहां पर विधिवत प्राण निकलना शुरू हुआ था, पहले पैरों में नीचे घुटनों से प्राण हट जाता और डेड बॉडी होते जा रहे, और हार्ट तक हार्ट बीट नहीं बंद हो गया। हम ध्यान कर रहे थे कि प्राण का निकलने का तरीका क्या, बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, उसका पाथवे क्या। तो यहां से ऊपर बोलने को मन नहीं कर रहा था, जब भारी हो गया हार्ट बीट बंद हो गया, फील कर रहे कि सब डेड हो गया, तो कहा कि अब हम बोलेंगे नहीं, अब हम मौन होंगे। तो ध्यान करने लगे कि प्राणों का उद्गम का देखा जाए कि कैसे जाता है, और वो वही प्रकाशात्मक प्रकाश में गिर में तो सूर्यात्मक उठ रहे थे, गले पर आकर तो रुक गए, यानी कि शुद्धि चक्र में रुक गए। तब तक से घनघनाहट की आवाज सुनाई पड़ी भीतर ही ध्यान में कि पानी का रफ्तार कम है तेज बल, शायद कोई डॉक्टर बोले थे दूसरे को आ गए थे, ऑर्थोपेडिक्स आ गए थे दौड़ते प्राइवेट वाले, और वहां बोले पानी की रफ्तार कम है तेज करो, तो कोई जाकर तेज किया हो तो पानी बढ़ना, 5 मिनट यहाँ उतरे फिर बैकअप हो गए, और ऊपर नहीं जाकर फिर बैक किया हार्ट नया, फिर ब्लड सर्कुलेशन फिर जितना भूल ले लगे, तो फिर हम बोलना शुरू किया कब हम बोल सकते हैं। तो क्या बात थी कि वो सूर्यात्मक थी, लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जब जाते हैं तो वो सूर्यात्मक ही खत्म हो जाता है, शून्यात्मक स्थिति आती है। तो जैसे यहां से आगे बढ़ते हैं आप, तो उसमें अपने आत्मा के भीतर के सेंटर में छेद करना होता है, इसमें छेद करके बिंदु साधना में तब जाकर के ये शस्त्र खींच लेता है, और विराट सत्ता का हर जगह अहम जगत व सकलम शून्यम की अनुभूति करते हैं। इसलिए इसका दूसरा वाला पक्ष है बिंदु साधना। ये नाद साधना के बाद एक और दिया है कि बिंदु, यानी बिंदु साधना, आनंद को अपरिभाषित बनाना है तो बिंदु साधना एक दूसरा तरीका है। हमारा आनंद इसके आवरण में भी बंद रहता है, बिंदु कहते हैं टाइम एंड स्पेस या पॉइंट, हर पॉइंट सेंटर केंद्र, अन्नमय तो उसमें बिंदु मन गिर्ज होता है, मरणम बिंदु पाते ना जीवन सुधारना, और आनंदमय तो उसकी साधना में जो बिंदु शब्द आया है, बिंदु माने परमाणु सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सेंटर सूक्ष्म से सूक्ष्म में जो सत्ता काम कर रही है न्यूक्लियस में परमाणुओं के बैठकर, और विराट से विराट सेंटर में भी बिंदु का जो काम कर रही है वह सारी सत्ताएं ईश्वरीय सत्ता चला रही, दोनों सत्ताओं को एक साथ स्मरण करना ध्यान में रखना बिंदु साधना, यानी बिंदु साधना परमात्मा की साधना है, अखंड आनंद की साधना है। तो टाइम एंड स्पेस में अब इसे मान लें कि हम लोग कैसे करेंगे बिंदु साधना को, यही पर आकर करना पड़ता है शस्त्र अज्ञा चक्र, तो इसी बिंदु पर ये सारे आकर के भी विलीन होते हैं, प्रकृति का स्पक्ष हो जाता है, अध्यात्म विज्ञान का संतुलन चल पड़ता है। हाँ अच्छा का ठीक है, नकारात्मक अच्छा बुरा का क्रम प्रज्ञा बुद्धि सभी से करना शुरू करते हैं, जड़ चेतन का मिश्रण आकर के काम करने लगते हैं, तो यही पर प्रकाशात्मक ध्यान करने होते हैं। लेकिन बिंदु साधना का पहले कंसेप्ट हम लोग समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हर पॉइंट पर कहा है कि